कराची के लिए बड़ा प्लान। वजीर आजम इमरान खान जुम्मे को कराची आएंगे। ट्रांसपोर्ट, सड़कें, सीवरेज, बिजली और पानी के लिए पैकेज का खुद ऐलान करेंगे। काबीना इजलास में वजीर आजम ने कह दिया कराची वालों को तनहा नहीं छोड़ सकता। नवाज शरीफ की जमानत बाकी नहीं रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मियां साहब को सरेंडर करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में सरेंडर करने की तारीख बताई जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। नवाज शरीफ के अस्पताल में दाखिल होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई। खुद को कानून के हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, अदालत ने कह दिया। मुकर्ररा तारीख पर पेश ना हुए तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ के बयान हलफी पर वफाकी हुकूमत ने मियां साहब की सेहत पर खुद क्या मालूम किया। अदालत ने 10 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। जब इंसाफ के दरवाजे बंद होते हैं तो अनारकी आती है, इंतशार फैलता है। शाहिद हकान अब्बासी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हुकूमत पर तनकीद, कहा अब आवाम दरवाजे बंद करने से नहीं रुकेंगे। दूर नहीं, जब ये बैरियर भी नहीं रहेंगे, ये बार्ड वायर भी खत्म हो जाएगी और लोग इमरान खान को उठाकर मार देंगे। जियारी क़यादत को नई मुश्किलात। एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलैंड रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। पार्कलैंड के ज़िमनी रेफरेंस में 3 नए मुलजिमान को शामिल कर लिया गया। दरियाए चनाब के रैले से मुतासरा गाँव में मैयतें ले जाना इम्तिहान बन गया। जंग में रेस्क्यू टीम ने कश्ती के जरिए मैयत को कब्रिस्तान पहुँचाया। और वजीराबाद में बहन ने भाई की जान ले ली। घर पर झगड़ा हुआ और बहन ने कुल्हाड़ी दे मारी। भाई शकील मौके पर हलाक हो गया। बहन को गिरफ्तार कर लिया गया।